ठीक है यार, आई लव यू। उसी की देसी दारू बनती महुआ, देसी दारू समझे। जो आप गाना सुनते हो दारू बदे नाम कह रहे थे देसी दारू। हम लड़के हैं तो हम एक कच्चा बादाम तो सुबह उठ के रोज कर नहीं सकते, इनकी तरह कमर मटका नहीं सकते, तो हम लोगों के वीडियो भी वायरल नहीं होते। हालांकि तो जल्दी जल्दी हम जिम निपटाओ। ओके बाद आई थे सीधी कराने निकल उसे पहले। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे कौन सी भाषा बोला भाई, ये बघेली भाषा है, हमारे क्षेत्र की भाषा है, करीब करीब 30-32 लाख लोग बोलते हैं। हालांकि आई हैव अ गुड कमांड इन इंग्लिश, बट मैं आपको बता दूं हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं ना भाई, तो सब हिंदी में तो हो रहे हैं। जापानीज अपनी जापानी भाषा में काम कर रहे हैं, चाइनीज अपनी चाइनीज भाषा में काम कर रहे हैं। हम चूतिया लोग, सही कहे हम चूतिया लोग कचड़ा हो गए हैं, ना हिंदी तरी रह गए ना इंग्लिश है तरी रह गए। उससे पहले हम अपना कहा सीधी निकले, पहले जिम जाज पहले एक चीज दिखाई थी जौन इस समय चल रहा कि शहर से गाँव से जुड़े जौन लोग हैं तो खूब भयंकर भाई गेहूँ वेहूँ हर को के घर में इस समय बिनाई वाई चल रही है। हम दिखाई थे अपना का हमारे घर में का है चाचा हरे सब साथ रहा थे, सबको दिखाई थे दोनों कहते हैं चल रहा है काम। देखिए हूँ कई गेहूँ बिनाई चल रही है, छटाई वटाई साफ कर रहे हैं और अपना का नीचे कही ले चली गई। हमारा रूम है ऊपर, हम नीचे दिखाई थे हमरो यहाँ यह चल रहा है। ओ भाई तैया हमारा रूम ऊपर है या नीचे सुल्तानी अय्या हमार अम्मा ही यूँ गेहूँ बिन चुका गेहूँ। हाँ गेहूँ गेहूँ बिन के फुर्सत है गई अय्या है आलसी। सीधी निकलना था आज तो थोड़ी बहुत जिम की है क्योंकि अब 4-6 दिन जिम का गैप हो ही जाएगा, जिम नहीं करूँगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल लाइफ जीना है अपने को, जिम के लिए पैनिक नहीं होना है ठीक है, कि एकदम सटक जाना है। ऐसी बॉडी जो आपको दिख रही है साइड में ये भाई इंजेक्शन ठोकने यानी एस्ट्रॉयड लेने या HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो लेने पे ही बनती। अगर इतनी भी आपकी फिजिक है समझो बात को, नॉर्मल है मेरा 17-18% बॉडी फैट होगा ठीक है, ये पूरे वो रहता है ईयर रहता है इतना, क्योंकि मैं डाइट वाइट नहीं करता हूँ, रज के रोटी वगैरह दाल वगैरह सब लेता हूँ ठीक है। इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, कंपटीशन खेलना नहीं अपने को, सिंपली फिट रहो भाई ठीक है। तो इतना ज़्यादा बॉडी को लेके इतना हैक्टिक नहीं हो जाओ कि जिम छूट गई पगला जाओगे बिल्कुल। 6 दिन मैं भी अभी जिम नहीं करूँगा ठीक। हाँ नॉर्थ तो भाई आज हनुमान जयंती, सभी को हनुमान जयंती की बधाई हो। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे और नॉलेजेबल व्लॉग लाने के लिए। अब क्या है हम लड़के हैं तो हम एक कच्चा बादाम तो सुबह उठ के रोज कर नहीं सकते, इनकी तरह कमर मटका नहीं सकते, तो हम लोगों के वीडियो भी वायरल नहीं होते। हालांकि अब लोग कहेंगे ज्ञान बहुत फैलता है, तो ज्ञान फैलने से पहले बता देता हूँ भाई, पहले मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में अपने बता देता हूँ कि मैं ये जो ज्ञान फैलता हूँ आपको उसमें कितनी पढ़ाई करके आज भी इतना पढ़ना पड़ता है किताब वगैरह। तो मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ तो पूरी एनालाइज की हुई बताता हूँ। अभी मैं आपको एक चंड अशोका जो अशोक सम्राट थे कलिंग युद्ध के पहले, उनकी एक बहुत अच्छी पेड़ के ऊपर कहानी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई पढ़ाई क्या क्या की है तब जाके इतना इंसान स्टेबल हो पाया माइंड, और काफ़ी धोखे खाए ये सब अप डाउन्स हुए बिजनेस में हर चीज़ में। तो भाई 12th के बाद किया DCA BBA MBA न्यूट्रिशन कोर्स सप्लीमेंट कोर्स, फिर किया LLB लॉ, तो ये 5-6 डिग्रियाँ कर डाली। उसके बाद भी अभी भी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ क्योंकि थोड़ा शौक़ भी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है भाई, हमारे इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अब जैसे आपको नहीं पता होगा बट मैं बता देता हूँ कि जो लेडीज़ों के नाम ज़मीन आप खरीदते हो तो उसमें छूट मिलती, ये चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर जी लाए थे कि लेडीज़ों के नाम से लेनी चाहिए ज़मीन। बट आप विश्वास नहीं मानोगे भाई, पूरी LLB ख़त्म हो गई मेरी लॉ, वहाँ मुझे ये चीज़ पढ़ने को नहीं मिली 3 साल में। तो बहुत सी ऐसी बेसिक चीज़ें जो नहीं पढ़ाई जाती, महाराणा प्रताप के बारे में, हमारे पंजाबी शेर, हमारे हिंदू शेर भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ाई जाती। तो उधर है अभी रीवा सीधी टनल, तो एक टनल का व्यू दिखाता हूँ जो आजकल बड़ी फेमस है हमारे रीवा में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सम्राट अशोक की एक कहानी।
तो मैं बता रहा था आपको एक चंड अशोक की कहानी। देखिए अशोक, उस जमाने में गैस तो होते नहीं थे जिस तरह आज हम लोग पास, ना इलेक्ट्रिक इंडक्शन होते थे, तो पेड़ काटना एक बड़ा अपराध माना जाता था क्योंकि लोगों की जीवन शैली ही पेड़ पे निर्भर थी, खाने पीने से लेके जो हम आग चूल्हा जलाते हैं उस पे भी। तो सोचिए सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा की ईमानदारी चेक करने के लिए, आप सोचते कितनी छोटी सी बात है पेड़ काटना, अपनी प्रजा की ईमानदारी पहचानने के लिए और प्रजा को आदेश दिया कि यहाँ से लेके करीब 1-2 किलोमीटर तक पेड़ काट दिए जाए। बट सब इस चीज से उनको इतना द्वेष भावना उनके अंदर सबके अंदर आ गई थी, हालांकि सम्राट अशोक की आदेश दिया था कि पेड़ काटो, उस वजह से उनके इतनी हीन भावना से उनको देखा गया था। तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि जीवन शैली ही पेड़ पे डिपेंड थी। हालांकि हमें भी घूम फिर के जाना ही है उस जगह पे, क्योंकि कार वगैरह एक टाइम के बाद हम खा तो पाएंगे नहीं, पॉल्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कार्स जो आपको लग रही है वो इतना कोई नेचुरल सोर्स है नहीं, एक टाइम बाद लिथियम वगैरह खत्म हो जाएगा तो आपको स्विच होना पड़ेगा। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि एक छोटे से पेड़ की कहानी इतनी सी ज्ञान मुझे देने के लिए आपको इतनी किताब पूरी पढ़नी पड़ी सम्राट अशोक की। और भी है, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, शेयर करने की कोशिश करूंगा आपसे। हमारा ये देखिए, ये हमारा भगवत भाई प्रताड़ित करे रात सगले का, अय्या देखिए भाई खड़े है, ये बवेली अनूप से दिन भर थक गए, अभी बेचारे दिन भर अभी हेलमेट लगावे कि अपन सामान 4 रुपया के बेचे हैं, बेचारे के पास सीध देखी, इतना स्मार्ट आदमी जितना है स्मार्ट नहीं लग रहा, उससे अधिक स्मार्ट लग रहा है भाई अपना। देखा चेक शर्ट पहनना फेवरेट है भाई का, हूँ चेक शर्ट पहने भाई, हूँ चेक शर्ट पहने है। ये बात तो चलान नहीं दे रहा है ना, ठीक है यार, आई लव यू। ये हमारे ठाकुर साहब है, देखिए गोरा एक आदमी यही है केवल, बाकी सब यहाँ भाई ये जा रहे हैं अपन मझौली परसली रिसोर्ट, आपने सुना होगा। मेरे लिए बचपन से ये जगह बहुत खास रही है क्योंकि मुझे ये किसी जन्नत से कम नहीं लगती है, है ना। बड़ी हरियाली, आप देखिए चारों तरफ, एक व्यू देखिए आराम से, पूरे चारों तरफ, कैमरा वो कैप्चर नहीं कर सकता जो आंखें कैप्चर कर सकती है, पूरे चारों तरफ ये पहाड़ और व्यू है इतना बेहतरीन। और मुझे ऐसी चीजें पसंद है, मुझे लग्जरी होटल से ज्यादा ये जंगल पहाड़ पसंद है। बहुत शानदार व्यू है, प्योर हवा, खुली हवा जो शहरों में नहीं मिलती है। मौसा जी के घर में है अभी, कन्हाई मौसा जी के घर देखिए, और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि व्यू यहाँ का, कुत्ते कितने पाल रखे हैं, कुत्तों के शौकीन है। देखिए ये एक सेंट बर्नार्ड है, कूलर वगैरह लगा हुआ है बढ़िया, आजा है ना, कूलर लगा है बढ़िया शानदार। और 2-3 कुत्ते उधर है और एक पीछे है, होगा देख लीजिए वचन, ये आप भेज रहे हैं वो पानी। 2 कुत्ते इधर है, ये 3 कुत्ते, ये खतरनाक है साले, बस बस बस। और एक वो बच्चा है उस कुत्ते का, वो बच्चा और वो कुत्ता, 3 कुत्ते इधर है। और ये साला बड़ा ही हरामी आदमी है, मतलब कुत्ता है ये, बड़ा ही हरामी कुत्ता है। बाकी ये 3 जो है बड़े शांत है और वो शांत है। ये है हमारी धन्नो, ये वॉक थ्रू है, एक बैड बास्केटबॉल का कोर्ट बना रखा है इन्होंने, बास्केटबॉल कह रहा हूँ सॉरी, हैंडबॉल का। अरे दीजिए मैं ले आता ना, थोड़ी मैं पकड़ लेता हूँ जी 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 जी, मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा तो है, और कुछ ज़्यादा और लड़की बताओ, ये रखा पड़ा है हाँ, तुम्हारे दादा हैं कभी का दादा ठेका। तो ये हम आपको लाए,
हाँ, गेहूं पक गया है एकदम। ये देखिए पुराने स्टाइल का एडलर कुएं वाला। हाँ, ये है यार गांव का मजा, देखो आप, शानदार माहौल है पूरा, एक हार्ड कोर एरिया। यहाँ भालू वगैरह भी आते रहते हैं, हिरन वगैरह, क्योंकि जंगल के बीच में है। महुआ मैं आपको दिखाता हूँ बहुत, आइए। कहा ना, ये महुआ दिखाओ। काकू मिल ले मीडिया वाले से थोड़ा। काकू ले ले महुआ। ये आप फोटो तो ये सब बाहर से आए हैं लोग, यही चलो। ठीक देखिए, पलाश का फूल है, पलाश का फूल है, पहले के जमाने का बड़ा फेमस फूल है पलाश का फूल। देखिए ये, यहाँ म्यूजिक डालेंगे ना इसमें, दिखा बढ़िया। महुआ यार, ये शुद्ध एकदम ताज़ा महुआ, इतना टेस्टी है ना भाई, इसी की देसी दारू भी बनती है, महुआ देसी दारू, समझे? जो आप गाना सुनते हो, दारू बदे नाम कर दी देसी दारू। ये है महुआ, इसकी दारू बनती, जो नहीं आपने गाना सुना हो, देसी दारू बदनाम कर दी, महुआ की दारू बनती, लड्डू इसका बनता है भाई 500 रुपये किलो, और सरकार इस समय नेट दे रही है ऐसे पेड़ के नीचे लगाने के लिए। और जो महुआ लेगी यहाँ से, यहाँ का महुआ बाहर जाएगा इंग्लैंड वगैरह, समझे? तो बहुत ही अच्छी चीज़ है महुआ, जिनके भी पेड़ हैं आसपास, तो थोड़ा सा सरकार से कॉन्टैक्ट करें, समिति वाले आपको नेट प्रोवाइड कराएंगे नीचे। देखिए ताज़ा महुआ, मज़ा ही अलग गाँव का।